को लेकर आयोजन हुआ, जिसमें कई बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियों ने रैंप वॉक किया। तो ऑर्गेनाइजर अमित कुमार व आशीष खुराना और मौजूद लोगों का क्या कुछ कहना था, देखिए इस खास रिपोर्ट। सारे फैशन वॉक्स कर रहे हैं, बहुत सारे फैशन शोज हैं, बट एक्चुअली ये जो कोर्स है ये एक इनिशिएटिव कोर्स है, बिकॉज दिस इज़ फॉर ए वुमन कैंसर अवेयरनेस, एंड स्पेशली वी थॉट लाइक वी शुड डू फॉर दिस समथिंग, लाइक बिकॉज कैंसर से सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता, कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन करना चाहिए सर्वाइवर्स के लिए, जस्ट फॉर द ट्रीटमेंट्स, लाइक वी कैन नॉट हेल्प एंड वी कैन नॉट स्टॉप द कैंसर्स, बट एटलीस्ट वी कैन हेल्प दिस सर्वाइवर्स। तो जी वीडियो देखो, ये एक अच्छी इनिशिएटिव है हम लोगों का। हम लोग चाहते हैं कि वुमेन कैंसर को बढ़ावा, वो अवेयरनेस को बढ़ावा मिले, वुमेन जो सफ़र कर रही हैं उनको हम लोग कुछ अच्छा दे सके, कुछ नहीं कर सकते, कुछ एटलीस्ट सपोर्ट तो करें उनके लिए। जी जी, तो इसलिए हम लोग ये करना चाहते हैं ताकि आज भी उनके साथ खड़े हुए हैं, बहुत अच्छा कॉज है। जी सर, कहीं ना कहीं जिस तरह देखने को यहाँ पर कुछ एजड लोग हैं, जो मॉडल्स हैं और महिलाएं हैं, महिलाओं जिस तरह से आज की डेट में हर काम में बढ़ चढ़ हिस्सा ले रही हैं, आज देखने को मिला यहाँ पर कि उन्होंने रैंप वॉक भी किया, यहाँ पर अपना टैलेंट देखने को मिला, ऐसा है कि शब्द एजेड मत लोगों के लिए यूज़ करो, ये सब लोग सेलिब्रिटी हैं अपने आप में, अपने अपने प्रोफेशन के ये मास्टर्स हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को प्रूव किया है, तो वो जब रैंप पे चलते हैं किसी कॉज के लिए तो वो अपने में एक इंस्पिरेशन होता है। कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या कहेंगे इस बारे में? बहुत अच्छा लगा मुझे, और ये कैंसर अवेयरनेस के लिए इट्स यू नो वेरी इंपॉर्टेंट कॉज, और जब मुझे कहा गया कि मैंने वॉक करना है तो आई एक्चुअली वेलकम इट जी, क्योंकि मैं लास्ट ईयर का अमित जी ऑर्गेनाइज रहे हैं, इतने बड़े अच्छा शो ऑर्गेनाइज किया उन्होंने, क्या कहेंगे उनके? बहुत अच्छा शो है एंड ही हैज अ ब्राइट फ्यूचर, ऑल द बेस्ट टू हिम, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगी लाफिएस्टा का और अमन भंडारी का, जिन्होंने आई एम रिप्रेजेंटिंग डांस हियर, डांस इज लाइक कोपरेट बाय डांस दिस इवेंट, एंड बहुत अच्छा कॉज है, तो अच्छा लगता है इन सब अच्छे कॉज में पार्टिसिपेट करने के लिए। जी, और जिस तरह से कुछ महिलाओं ने भी यहाँ पर रैंप वॉक किया, यहाँ पर एजिट थी तो दिल्ली एंड से बहुत सारे शो होते हैं, लेकिन कुछ हटकर यहाँ पर कोसर कॉज पर प्रोग्राम रखा है, मॉडलिंग भी किया है, यहाँ पर डांस भी देखने को मिला, एक स्टेज पर सारी चीज़ें देखने को मिला, तो कैसा आपका अनुभव रहा है यहाँ पर? अच्छा लगता है, सब लोग सबके लिए एक नया एक्सपीरियंस है। गेस्ट हैं यहाँ पर, कैसा लगा आपको एक्सपीरियंस, क्या कहेंगे इस पर? जी, मेरा नाम लेफ्टिनेंट रीटा गंगवानी है और मैं एक इंटरनेशनल पेजेंट कोच हूँ। आज मैं कविता मोटवानी, एक डिज़ाइनर है, उनके लिए रैंप वॉक कर रही हूँ, और मुझे बहुत खुशी है क्योंकि ये जो वॉक है ये कैंसर सोसाइटी के लिए है, कैंसर के पेशेंट्स के लिए है, और जो भी इसमें इकट्ठा होगा वो उनकी ट्रीटमेंट के लिए, उनकी होम केयर के लिए काम आएगा, तो एक बहुत अच्छा कॉज है। और हर साल लाफिएस्टा कोई ना कोई ऐसा कॉज लेके आते हैं जिसमें हमें बुलाते हैं और हम रैंप वॉक करते हैं, बहुत खुशी मिलती है। एंड हाय, गुड इवनिंग, पूनम सैनी फ्रॉम पानीपत, एमडी ऑफ एचएम स्टूडियो, आई हैव माय ओन एनजीओ, एक किरण उजाले की और मैं लाफिएस्टा में अमित और आशीष को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने एक मैगजीन का और ये एक कैंसर अवेयरनेस लेडीज़ की उस पर एक जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, दैट्स हैट्स ऑफ, जिन्होंने कहाँ कहाँ से चुन के प्रतिभागी इसको यहाँ पे बुलाया है, हैट्स ऑफ फॉर हर वर्क हिज वर्क, सो थैंक यू सो मच एंड SNI टीम। ये एक बहुत ही बेहतरीन और अच्छा इनिशिएटिव है जो लाफिएस्टा वालों ने किया है, एंड ये एक कैंसर अवेयरनेस के सपोर्ट के लिए किया गया है। यहाँ पे बड़ी बड़ी महान हस्तियाँ आज रैंप वॉक करेंगी, जिसमें से मैं भी एक हूँ जिन्हें मुझे बुलाया गया, और मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मुझे मौका मिला गया और इस अच्छे कॉज के लिए कि मैं भी रैंप वॉक करूँ। जी, क्या कहेंगे जो अमित जी के लिए, जो ऑर्गेनाइजर हैं, ऑर्गेनाइज किया? बहुत बढ़िया, अमित जी बहुत अच्छा मेहनत करते हैं और काफ़ी सालों से कर रहे हैं, और काफ़ी लोगों को प्लेटफॉर्म मिलता है आगे जाने के लिए, आगे शाइन होने के लिए। आपको एक्सपीरियंस क्या कहेंगे इस बारे में? माय नेम इज मैकुल गांधी, आई एम द ओनर ऑफ वेलवेट बैग्स एंड मोर, एंड वी हैव स्टोर सिचुएटेड इन नॉर्थ एक्स मॉल, रोहिणी सेक्टर 9, एंड टुडे आई एम हियर इन कंट्री इन होटल एट द लाफिएस्टा फैशन वीक, एंड जस्ट टू सपोर्ट द कैंसर अवेयरनेस, एंड वेलवेट इज द स्पॉन्सर, वी आर द एक्सेसरीज पार्टनर एज वेल, वी हैव अ स्टॉल हेयर एंड आई एम ऑल्सो वॉकिंग द रैम्प जस्ट फॉर द कॉज ऑफ कैंसर, एंड इट्स अ ग्रेट प्लेजर टू बी अ पार्ट ऑफ फैशन लाफिएस्टा फैशन वीक, एंड आई एम ग्लैड, थैंक यू। हम एस्कॉर्ट से हैं और एस्कॉर्ट से कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग में एक अपना सिक्का जमा चुकी है समाज में, जी,
मैं इस संस्था के साथ पहली बार जुड़ा हूँ जी, और मैं जो आज पहला अनुभव करूँगा उसके बारे में बता पाऊँगा कि ये क्या है और कैसे है, पर मुझे इतना ज़रूर पता है कि जो हम महिलाओं के लिए जो कैंसर के लिए जो फ़ंड रेज कर रहे हैं और वो फ़ंड वाकई हम औरतों को मिलेगा जिनको कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी से राहत मिलेगी जी,